अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो सीरीज़ के साथ, जो कि हमारी रहेगी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर। अच्छा, इस सीरीज़ के जो है वो दो हमारे पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो एल्गोरिथम से रिलेटेड है, एंड द सेकेंड वन इज़ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात ये वाली मैं बता दूं कि हम लोग जो है वो एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद, और हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो वो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोगों का जो है वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड है तो आप लोग उस पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपनी वीडियो का पहला पार्ट जो कि है हमारा एल्गोरिथम्स के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम की मैंने यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि एल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है, ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर के थ्रू हम लोग जो है वो प्रोसेस करवाते हैं। तो एल्गोरिथम को हमें ये समझ में आया कि ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमें कुछ वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज हम इनपुट लेते हैं और कुछ सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो हम लोग आउटपुट कर देते हैं। अच्छा, तो अभी भी ये बहुत मैं जनरल होके जो है ना ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी हल्के हल्के आपको जो है ना वो बात समझ में आती रहेगी जैसे जैसे हम लोग स्पेसिफिक होते जाएंगे। आगे जैसे लिखा हुआ है, एन एल्गोरिथम इज दस अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटेशनल प्रोसेस तो है, कंप्यूटेशनल प्रोसेस तो है, लेकिन इस कंप्यूटेशनल प्रोसेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो स्टेप्स हैं वो हमें जो है वो सीक्वेंशियल वे के अंदर परफॉर्म करना हमारे लिए मस्ट है। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, और दूसरी बात मैंने जो आगे लिखी, वी कैन ऑल्सो व्यू एन एल्गोरिथम एज अ टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अच्छा, तो एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग करते क्या है, हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू करते ये हैं कि हम लोग कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है वो हम एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अभी भी जो है ना वो बात शायद सही से समझ में ना आई हो, तो हम लोग आगे चलते हैं और एल्गोरिथम को जो है ना हम लोग एक फूड रेसिपी की एनालॉजी से समझते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिथम। हम लोग एक फूड रेसिपी की एनालॉजी से समझते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो हमारे पास उस खाने के जो है वो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो है वो खाना बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपको एक बात देखिए नोट करने की है, वो बात आपको नोट करने की है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को खाने में डालने हैं ना उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, कोई इंग्रेडिएंट अगर आपको पहले डालना है और अगर वो इंग्रेडिएंट आपने पहले नहीं डाला बल्कि आपने एंड में डाल दिया, तो हो सकता है कि आपका जो आउटपुट आए यानी कि जो आपका खाना बने वो आपका खाना सही ना बने। तो इसी तरह से एल्गोरिथम्स भी है। एल्गोरिथम का अगर हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, एल्गोरिथम के आउटपुट से अगर हमें अपना डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एल्गोरिथम्स के जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंशियल वे के अंदर हमें परफॉर्म करना होगा, तभी हमारे पास जो है वो हमारा आउटपुट जो है वो आ सकता है। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इनफॉर्मली जो है वो मैं अगर आपको मैं एल्गोरिथम बताऊं कि व्हाट इज एल्गोरिथम, तो मैं बोलूंगा एनी कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम है। तो हो सकता है फूड रेसिपी की एनालॉजी से आपको और अच्छे समझ में आ गया। और एक और डेफिनेशन एल्गोरिथम की यहाँ पे मैंने लिखी है, एनी सॉल्वेबल कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब आपको ये अच्छे से ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करनी है तो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये आप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ The actions to execute, the order in which the actions execute is called an algorithm. यानी कि जो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है वो मुझे किस तरह से सॉल्व करनी पड़ेगी, नंबर वन मुझे कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, नंबर टू द ऑर्डर इन विच द एक्शंस एग्जीक्यूट, और फिर मुझे उन एक्शंस को ऑर्डर देना पड़ेगा कि पहले कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करना है, नंबर सेकंड में कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करना है, थर्ड में कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करना है। और जब मैं ऑर्डर वे अपने ऑर्डर्ड वे के अंदर अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तभी मेरा जो एल्गोरिथम है वो सही वर्क करेगा, और इसी को जो है वो एल्गोरिथम कहते हैं, जिस
जिसके अंदर हम लोग कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मतलब एल्गोरिथम क्या है? अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमारे पास कोई भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथम। अच्छा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी किन टर्म्स में सॉल्व होगी? कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट करवाने पड़ेंगे और उन एक्शंस को पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तभी हम उस कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब इसको जो है ना, वो एक काम ही करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो समझने की कोशिश करते हैं एल्गोरिथम को। तो मैंने यहाँ पर जो है ना, अच्छा देखें, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो सबसे पहले आपको जो है ना वो उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी जाती है और आपको बताया जाता है कि आपके पास इनपुट क्या है और आपको ये बताया जाता है कि डिजायर्ड आउटपुट आपका क्या आना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम गिवन है और इस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ, मेक अ लिस्ट ऑफ 100,000 इंटीजर्स एंड देन आस्क यूजर टू इनपुट एनी इंटीजर एंड सर्च दैट इंटीजर इन योर लिस्ट, ऑल्सो फाइंड द इंडेक्स ऑफ दैट इंटीजर। यानी कि मुझे एक लिस्ट बनानी है या मुझे एक एरे बनाना है 100,000 इंटीजर्स का, ठीक है। और फिर क्या करना है, मुझे यूजर से एक इंटीजर इनपुट लेना है और फिर उस यूजर से इनपुट लिए हुए इंटीजर को मुझे जो है वो अपने एरे के अंदर सर्च करना है, क्या वो इंटीजर जो कि यूजर ने इनपुट मुझे किया है, क्या वो इंटीजर मेरे एरे के अंदर, मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है भी या नहीं। अगर वो एरे, अगर वो एलिमेंट मेरी जो है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है तो फिर मुझे जो है वो उसका इंडेक्स भी फाइंड आउट करके देना है। तो देखें, इनपुट क्या होगा मेरे पास इस प्रॉब्लम का, लिस्ट ऑफ 100,000 इंटीजर, ये एक मेरी मेरी प्रॉब्लम का ये इनपुट है। और मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, इंडेक्स पोजिशन ऑफ द फाउंड इंटीजर, उस इंटीजर की इंडेक्स पोजीशन मालूम करनी है जो कि हमें मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसका इंडेक्स भी नहीं आएगा अगर वो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो देखें, अब मैंने ये एक प्रॉब्लम डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या बताया, हमें इसका एल्गोरिथम लिखना है। अब जब भी हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें जो है ना वो चलाना पड़ता है। तो देखते हैं हम लोग के इसका एल्गोरिथम क्या होगा। तो देखिए, मैंने बोला स्टेप्स फॉर मेकिंग एल्गोरिथम। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है, देखें, अब हम लोग जो है ना वो वहाँ उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमें जो है ना वो कोई एक्शन एग्जीक्यूट करना है। अब क्या एक्शन एग्जीक्यूट करना है वो आपके सामने लिखे हुए हैं और किन सीक्वेंस के अंदर ये एक्शन एग्जीक्यूट करना है वो भी अभी आपके सामने लिखा हुआ आएगा। देखें, सबसे पहला एक्शन जो मुझे एग्जीक्यूट करना होगा वो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क यूजर टू इनपुट नंबर विच वी हैव टू सर्च इन अवर लिस्ट एंड एरे, लेट्स कॉल दिस नंबर अ सर्च एंट्री। सबसे पहले हमें जो है ना वो यूजर से, अच्छा इससे भी पहले एक और काम ये करना पड़ेगा कि हमें एक ना एरे बनाना पड़ेगा 100,000 इंटीजर्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि हमें एक एरे बनाना है 100,000 इंटीजर्स का, तो वो लोग आप बल्कि फर्स्ट स्टेप पर आप नोट कर लीजिएगा अपने पास कि जो है ना वो सबसे पहले हमें जो है वो 100,000 इंटीजर्स का एरे बनाना है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, उसके बाद हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और हमें फिर उस नंबर को जो है वो अपने एरे के अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर सर्च करना है। और जो जो नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया है, हमने बोला लेट्स कॉल दिस नंबर अ सर्च एंट्री, इस नंबर को हम लोग सर्च एंट्री कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, इन ऑर्डर टू फाइंड द सर्च एंट्री वी हैव टू आइट्रेट अवर लिस्ट या एरे। अगर उस, अब हमें क्या करना है, उस सर्च एंट्री को अपनी लिस्ट के अंदर या अपने एरे के अंदर जो है ना वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लिस्ट या एरे को जो है वो आइट्रेट कराना पड़ेगा। अच्छा, और इन ईच आइट्रेशन वी हैव टू यूज इफ स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट विद द सर्च एंट्री। और हर आइट्रेशन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो अपनी सर्च एंट्री को लिस्ट के एलिमेंट से जो है वो कंपेयर करवाएंगे, क्या हमारी सर्च एंट्री जो है वो लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इफ सर्च एंट्री विल बी फाउंड देन ब्रेक द लूप एंड नोट डाउन इट्स पोजिशन इंडेक्स। अगर हमारी जो है वो सर्च एंट्री जो है वो अगर हमें मिल जाएगी अपने जो है वो पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने लूप को जो है वो ब्रेक करवा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पे हमें वो सर्च एंट्री हमें मिलेगी हमारी लिस्ट या एरे के अंदर, उस एरे की या उस लिस्ट की जो है वो हम लोग इंडेक्स को नोट डाउन कर लेंगे। तो अब आप लोग जो है ना वो ये देखें,
कि मैंने जो है ना वही यहाँ पे कुछ चार स्टेप्स लिखे हैं। तो अभी ये जो मेरी जो पिछली प्रॉब्लम थी, मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देखें मेरे पास ये चार स्टेप्स हैं, और इन चारों स्टेप्स को मुझे सीक्वेंशियली वे के अंदर जो है ना वो मुझे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि मैं आखिरी वाले स्टेप में पहले एग्जीक्यूट करा दूं और पहले वाला स्टेप आखिरी में एग्जीक्यूट कराऊं, ऐसा तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा। तो इसीलिए अब आपको शायद जो है वो एल्गोरिथम की डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, एंड उन एक्शंस को हम लोग एक सीक्वेंशियल वे के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये वाली बात मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यहां तक क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब एक काम ये करते हैं, एक अब अच्छा अब जो एल्गोरिथम, ये जो देखिए मेरे पास ये जो मैंने अभी आपको सामने जो चार स्टेप्स लिखे ना, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिथम। ये मेरे पास जो है ना वो एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन आ गई कि मुझे काम किस तरह से करना है, ये मुझे पता चल गया। अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप होता है टू राइट द सूडो कोड। अच्छा अब सूडो कोड क्या होता है वो इंशाल्लाह जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग जो है वो यहीं तक रखते हैं, और अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछिए, या जो है वो फेसबुक पेज पर भी आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम लोग जो है वो फिर इस एल्गोरिथम का जो है वो सूडो कोड लिखना सीखेंगे, और सूडो कोड होता क्या है पहले हम लोग सूडो कोड को फॉर्मली डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग सूडो कोड को लिखना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।